हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी के द्वारा हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। यह याददाश्त सिर्फ बच्चों की ही नहीं, बड़ों की भी बढ़ेगी इस रेसिपी के द्वारा। और साथ ही हमारी आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी है उसे भी दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सिर में पुराने से पुराना दर्द होता है उसे भी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए, इस होममेड रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं मखाने, बादाम, किशमिश, मगज के बीज, अखरोट। इसके अलावा हम यहाँ पर ले लेंगे 2 इलायची और थोड़े से सौंफ भी लिए हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है और इस पैन को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है और इसकी अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें बादाम और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है अखरोट और इन्हें एक चम्मच की सहायता से इस प्रकार हल्का भून लेंगे ताकि जो इनमें नमी है वो अच्छे से दूर हो जाए। इन्हें हमने भून लिया है और अब हम इन्हें एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम इसी पैन में ऐड कर देंगे मगज के बीज और इन्हें भी हमने भून लेना है। इन्हें हमें अच्छे से भूनना है। इन्हें एक बर्तन में अब निकाल लेंगे। अब इस पैन में हमने ऐड कर देने हैं मखाने और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश भी। और इन्हें इस प्रकार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। ये भी अच्छे से भून चुके हैं, इन्हें भी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमें यहाँ पर पैन में ऐड कर देनी है सौंफ और इलायची और इन्हें भी हम थोड़ा सा इसी प्रकार भून लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इनको आप ग्राइंड कर लेंगे। इस प्रकार यह रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और इस रेसिपी का प्रयोग हमें दूध के साथ करना है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।